काशीराम साहब ने के लिए एक बात कही जाती है कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम जगाई, ऐसा क्यों कहा जाता है उनके लिए वो थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं अभी पिछले महीने होशियारपुर में गया हुआ था, मैं वहाँ से आता हूँ इटावा जिला से, जहाँ से माननीय काशीराम साहब पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचे थे। मैं इटावा और पंजाब वालों ने मेरे ये मुझसे ये प्रश्न पूछा था, मैंने कहा मैं पंजाब तब तक आता हूँ, मैं इटावा से हूँ जहाँ से माननीय काशीराम साहब पार्लियामेंट में गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाई, बहन जी को सत्ता में पहुंचाया। तो आपका जो प्रश्न है कि ये ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि काशी तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम जगाई। दरअसल काशीराम साहब की, काशीराम साहब ने एक इतनी भारी प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा? कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ली। नंबर एक, घर छोड़ा। जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो वो गौतम बुद्ध कहलाए, जब सिद्धार्थ ने जो घर छोड़ा तो गौतम बुद्ध कहलाए, और माननीय काशीराम साहब ने घर छोड़ा तो वो माननीय कहलाए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, तो माननीय ने घर अकेला नहीं छोड़ा, माननीय का एक बहुत बड़ा और प्रतिज्ञा, मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, मैं किसी जन्म दिवस पर मृत्यु दिवस हो या किस तरह के समारोह में ऐसे नहीं जाऊंगा, और जीवन पर्यंत उन्होंने अपनी बहन की शादी में नहीं गए, अपने पिताजी के उसमें नहीं गए, मृत्यु पर भी नहीं गए। ये ऐसी प्रतिज्ञाएं सिद्धार्थ गौतम लेते हैं या माननीय काशीराम साहब लेते हैं, और उन्होंने जो कुछ किया वो जो कुछ किया पे बैक टू द सोसाइटी, पूरे समाज को दिया, पूरे देश को दिया, 85 करोड़ बहुजनों को दिया, इसलिए ये बहुजन गरीब लोग कहते हैं काशी तेरी नेक कमाई तुमने सोती कौम जगाई। एक बात और कहते हैं वो कि भाई ये जो लड़ाई है लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम वोट डाल दो, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन वोट कहाँ डालें ये काशीराम साहब ने, इसलिए लोग कहते हैं काशी तेरी नेक कमाई तुमने सोती कौम जगाई।